शंकर जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है तो वो क्या होता है, क्या है वो? आप जो जल चढ़ाते हो शिव जी पर, तो ये शिवलिंग का मतलब क्या है, क्या है ये शिवलिंग? कुछ लोग कहते हैं कि ये शिव जी की योनि भाग है। ये विचारधारा बिल्कुल गलत है। जो लोग ये मानते हैं वो शिव जी को जानते नहीं है। शिवलिंग, लिंग शरीर होता है, संस्कृत में लिंग शरीर का, संपूर्ण शरीर का नाम ही लिंग शरीर होता है। इस शरीर को लिंग शरीर कहा जाता है संस्कृत भाषा में। बात समझ में आई? संपूर्ण शरीर को, आपके शरीर को क्या बोला जाएगा? लिंग शरीर। तो जो शिवलिंग है वो शिव जी का संपूर्ण शरीर है, और शिव जी उस लिंग में, उस शिवलिंग में मींस पूरा सृष्टि, पूरा संसार का प्रतीक है, सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो शिवलिंग। वो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शिवलिंग, शिव जी। उस शिवलिंग में संपूर्ण शिव जी ही हैं अपने परिवार के साथ, इसलिए शिव जी के साथ जहां शिव जी होंगे वहां पार्वती माता होंगी, वहां नंदी जी होंगे, वहां कार्तिकेय जी होंगे, वहां गणेश जी होंगे। जरा सोचो कि यदि लिंग ही होता किसी शिव जी का, केवल लिंग ही, यदि योनि भाग ही आप माने, तो उस योनि भाग के साथ फिर गणेश जी का और कार्तिकेय जी का क्या काम था? इसका मतलब वहां शिवलिंग से, वहां लिंग मतलब भगवान शिव, संपूर्ण शिव की पूजा होती है। उस शिवलिंग में शिव जी का सिर भी है, शिव जी की आंखें भी हैं, मतलब भाव है ना भाई। एक पत्थर पर हमने हथौड़ी और छेनी उठाई और उनकी आंखें उकेर दी, उनका सिर, उनका मुंह उकेर दिया, होंठों को उकेर दिया, पांव, छाती, तो वो पूरी मूर्ति हो गई। पर उकेरा नहीं, उस पत्थर पर ही मान लिया, इसी को शिव मान के पूजा करने लग गए। तो वो जो विधान है हमारे यहाँ, वो शिवजी जो हैं पूर्ण रूप से, जैसे हमारे यहाँ नर्मदेश्वर होते हैं, तो नर्मदा का कंकड़ शंकर बोला जाता है। नर्मदा का कंकड़, जोर से, चाहे छोटा कंकड़ हो, चाहे छोटा पत्थर हो, चाहे बड़ा हो, पर वो कहलाएगा क्या? वो शिवलिंग, शिव ही, मतलब शिवलिंग कहलाएगा, मीन्स वो शिव कहलाएगा। जैसे जैसे गंडकी का हर पत्थर शालिग्राम कहलाता है, क्या कहलाता है? तो शालिग्राम भगवान का भी तो एक छोटा सा बटैया होती है ना, तो वो भी तो जरा सा होता है, शालिग्राम भगवान भी तो जरा से होते हैं, लेकिन उस शालिग्राम भगवान में संपूर्ण भगवान, मतलब पूरे विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, राम जी का पूजन किया जाता है, केवल लिंग का पूजन नहीं किया जाता। हाँ या ना? अब कुछ लोग लिंग का मतलब योनि भाग से करते हैं तो उनका मानना ही गलत है। अब तुम गलत ही मान लो तो हम क्या करें इसमें? तुमने अर्थ ही गलत कर लिया तो इसमें हमारा थोड़ी दोष है। अरे भाई, जैसे शालिग्राम भगवान में संपूर्ण विष्णु, शालिग्राम भगवान किनका प्रतीक है? उत्तर दो, शालिग्राम भगवान कौन होते हैं? जोर से, साक्षात विष्णु, साक्षात भगवान नारायण शालिग्राम माने जाते हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। जैसे शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठा, गंडकी नदी के शुद्ध शालिग्राम भगवान हैं, वो स्वयं भू हैं, स्वयं प्रतिष्ठित हैं, उन्हें प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह नर्मदा के शिव, जिन्हें नर्मदेश्वर कहते हैं, उन्हें भी किसी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती। आप लाओ, पूजा करने लग जाओ, तो वो शिवलिंग है, मींस शिव है। जैसे शालिग्राम भगवान विष्णु है, साक्षात नारायण है,
उन नारायण की उपासना उस शालिग्राम में होती है, उसी तरह भगवान शिव की उपासना उस शिवलिंग में होती है। हाँ या ना? और एक बात और बताऊं आपको, जितने पुराने द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, वो सारे ज्योतिर्लिंग या तो वो शालिग्राम शिला के हैं, या तो नर्मदेश्वर है, या तो वो नर्मदेश्वर है, या तो शालिग्राम शिला है। तो हमारे यहां भगवान, अब जैसे भगवान राम, अभी रामलला बैठे ना, तो राम जी जिससे बनाए गए वो शालिग्राम शिला से बनाए गए। आपने सुना होगा कि कुछ महीनों पहले वहां से नेपाल से दो पत्थर आए थे बड़े बड़े, लोगों ने रास्ते में पूजा करी, ट्रकों में आए थे, उसी की तो छिलाई करके मूर्ति बना दी, वही तो रामलला है। रामलला भी शालिग्राम शिला पर बनते हैं। हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर होंगे सारे शालिग्राम शिला। अब जैसे हाँ, राधा रमण जी का मंदिर आप जाओ तो राधा रमण जी भी पहले शालिग्राम शिला ही थे, पर जो आचार्य चरण पूजा करने वाले थे, इनके मन में भाव जागा कि प्रभु आप तो गोल गोल बटैया हो, आप थोड़ा सी आंखें होती आपकी, आपका गला होता, मुंह होता, तो आपका हम सिंगार करते, कपड़े पहनाते, माला पहनाते, तो भक्त का भाव हुआ तो शालिग्राम भगवान ही कृष्ण रूप में प्रकट हो गए, वही राधा रमण जी हैं। तो भगवान लिंग शरीर संपूर्ण शरीर, अब कुछ लोग नहीं मानते, मूर्ख हैं, तो इसका कौन ठेका लेगा? आप में से किस किस को बात समझ में आ गई? शिवलिंग का मतलब, आज से कोई आपको सवाल कर दे कि शिवलिंग की तुम बड़ी पूजा करते हो, तुम तो शिवलिंग के पुजारी हो, वो तो लिंग है, उनसे बोलना तुम मूर्ख हो, लिंग नहीं, वो शिव का संपूर्ण शरीर है, संपूर्ण शरीर को लिंग शरीर बोला जाता है।